साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए TMA यानी ट्विटर मार्क असेसमेंट। असाइनमेंट बनवाने हैं आपको 2022 और 23 के, ठीक है? तो आपको कैसे सवाल, क्या सवाल आए हैं और कैसे बनाने हैं, NIOS के क्लास 10th का उर्दू का मैं असाइनमेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें तमाम सवालात लाजमी, हर सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। कुल नंबर 20 नंबर का असाइनमेंट होगा जो कि आपको जमा करना होगा, ठीक है? ऑनलाइन भी जमा होता है या ऑफलाइन भी। तो इसमें सवाल नंबर एक है, दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 50 अल्फाज में लिखना है। दो दे रखे हैं, अलिफ और बा, या तो अलिफ करिए या बा करिए। जैसे हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर मज़मून में मुसन्निफ़ के ख्याल में इसे मिली जुली तहजीब की किन बुनियादों पर कायम रखा जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। लेसन नंबर 3 में इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा है, उर्दू और हिंदी का रिश्ता बहुत गहरा है, अपने ख्यालात वजाहत के साथ लिखिए, ये मिलेगा आपको लेसन नंबर 5 पे। मेरे पास है ये इसका जवाब। तो इनमें दोनों में से कोई एक करना है, तो आप, मैंने यहाँ पे लेसन मैंने बा वाला करा है, तो इसका जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको 40 से 50 पहले सवाल उतारना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे ही उतार देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि सवाल उतारना है, फिर उसके बाद आप करें, ठीक है? तो इसका जवाब है, तो इसका आप जवाब यहाँ से लिखेंगे कि हिंदुस्तान की तमाम हिंद आर्यी ज़बानों में उर्दू हिंदी सबसे ज़्यादा करीब है, इन दोनों में अटूट रिश्ता है, जितना मेलजोल उर्दू और हिंदी में पाया जाता है शायद ही दूसरी किसी जबान में पाया जाता हो। कहावतें तलमीहा दोनों ज़बानों का मेल जोल और ज़्यादा खुलकर सामने आता है। हिंदी उर्दू में कहावतें एक जैसी, इन दोनों में बहुत इश्तराक है, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, चोर की दाढ़ी में तिनका वगैरह, ये सब कहावतें उर्दू और हिंदी वाले लोग बिना रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं। तो यही इस सवाल का जवाब है बाका के, उर्दू और हिंदी के रिश्ता बहुत गहरा है, अपने ख्यालात की वजाहत करें। तो ये आपको लिखना जो मैंने बताया। दूसरा सवाल है, दर्ज जेल में से किसी एक का सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखिए। तो या तो आप अलिफ लिख दीजिएगा या बा में जो तशरीह है, जैसे तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहला, इसकी तशरीह कर दीजिएगा और शायर का नाम और काफ़ी और रदीफ, या ये तहजीब की तारीफ अपने लफ्ज में लिखिए। लेसन नंबर 3 में देख सकते हैं आप इसे, ठीक है? तो पहले सवाल उतारना है, आप लिखेंगे सवाल नंबर 2 और फिर ये वाला सवाल और फिर उसके नीचे जवाब। सवाल ब्लैक पेन से उतारिएगा और जवाब जो उतारेंगे आप वो उतारेंगे ब्लू पेन से। तो यहाँ पे जो सवाल है, तहजीब की तारीफ अपने अल्फाज में लिखिए। तो तहजीब की तारीफ यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ इसे, ताकि आप और अच्छे से लिखें। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से किसी मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी गुजारने के ढंग, तौर तरीके, शादी ब्याह की रस्म व रिवाज, कौमी मजहबी त्यौहारों को मनाने के तरीके, समाज की तकरीबात मनाने का ढंग और तालीम व तरबियत के तरीके, गरज ये कि वो तमाम चीज़ें जिससे वो अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उसके ज़रिए वे दुनिया में जाने जाते हैं, उस मुल्क की तहजीब कहलाते हैं, यही तहजीब की तारीफ है। तो ये पूरी बात आप इसके अंदर लिख देंगे। अब इसके बाद है तीसरा सवाल, कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि सवाल सही दिखे। दर्ज जेल में से किसी एक का सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखना है। अफसाना, पूरे चांद की रात में अफसाना बयान करने वाले की अपनी महबूबा से पहली मुलाकात का हाल अपने अल्फाज में लिखे। ये सवाल लेसन नंबर 10-11 में मिल जाएगा आपको, याद तो ये कर लीजिएगा, चाहे जो मैंने बताया वो कर लीजिए। बा, गालिब ने क्यों कहा कि उन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया। लेसन नंबर 14 में मिल जाएगा, मैंने वैसे आपके लिए ये निकाल के रखा है कि गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया, ये सवाल का जवाब मैंने निकाल के आपके लिए रख रखा है, ठीक है? गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया था, क्यों कहा? तो इसका जवाब है, गालिब ने ये क्यों कहा, उन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया। तो इसका जवाब यहाँ से और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे गालिब ने पहले अपने उर्दू खतूत कम ही लिखे जाते थे, और जो लिखे जाते थे उसमें भी तकल्लुफ़ और बनावट बहुत ज़्यादा होती, बड़े बड़े अलकाब व आदाब और बिला वजह अरबी फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करने के अपनी ज़बान दानी का मुजाहरा।
गालिब ने बहुत ही आसान ज़बान में ख़त लिखे, बड़े बड़े अलकाब आदाब की जगह बेतकल्लुफ़ अंदाज अख्तियार किया। मकतूब आलिया को भाई जान, मेरी जान, मियाँ मियाँ वगैरह मुखातिब किया। उन्होंने अपने खतूत में बातचीत का अंदाज़ अपनाया, इसीलिए गालिब ने यह कहा कि मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया। तो आप ये इसका जवाब लिख देंगे। अब सवाल नंबर चार है, देखिए इसमें सिर्फ छः ही सवाल हैं। सवाल नंबर चार है, 10 जेल में थे, किसी एक का सवाल का जवाब 100 से 150 अल्फाज में लिखे, ठीक है। तो मैंने पहला करा इसमें ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या है, हर एक के बारे में वजाहत से लिखे, ठीक है। यही आप बा कर लिया, हाली के श्लोक पर रोशनी डालते हुए वजाहत करें कि हाली ने इश्क से मुतालिक क्या क्या बातें इस गज़ल में कही है। तो मैंने इसमें से जो है ये वाला करा है, ये वाला करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप सवाल उतारेंगे और ये सारा लंबा लिखना है, तो इसके लिए लंबे ही जवाब होने चाहिए। तो सवाल ड्रामे का अज्जाए तरकीबी है, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे इस तरह आपके लिए ढूंढा है। जवाब है ड्रामे का अज्जाए तरकीबी 10 जेल है। नंबर एक, प्लॉट या कहानी होनी चाहिए। फिर लिखना आप किरदार, मुकालमे, पेशकश, प्लॉट की कहानी। फिर अलिफ लिख के आप लिखना भाई, किसी भी ड्रामे को पेश करने के लिए प्लॉट या कहानी का होना ज़रूरी है। प्लॉट या कहानी छोटी होनी चाहिए। प्लॉट की खूबी ये हो कि वह सच होती है। मुकालमे, ड्रामे की असल जान मुकालमे है, ठीक है। इनके ज़रिए ड्रामा निगार अपनी बात वाजे करता है। मुकालमे से ड्रामा निगार किरदारों को उभारता है। पेश कर ड्रामे की पेश करने की तकनीक भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ड्रामे में कामयाब का दारोमदार पेशकश ही पर होता है, ठीक है। पेशकश भी अच्छे तरह का फन है, होना चाहिए, जो किरदारों को उभारता है। तो ये सारी बातें आप लिख देंगे, ठीक है जी, हो जाएगा आपका सवाल। अब अगला सवाल है पांचवा, के 10 जेल में से किसी एक का सवाल 100 से 150। या तो इसकी तशरीह कर दीजिए आप, ठीक है, मंदर ज़बारा अपने अल्फाज में लिखें। दूसरा है गज़ल की तारीफ लिखें, इसमें 3-2 क्वेश्चन होगा। या ये करें, नज़्म कश्मीर में नज़्म निगाह, नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो मैंने ये वाला करा, लेसन नंबर 21 में इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल दिया। देखिए इसमें जो है मरकज़ी ख्याल में बहुत सारी चीज़ें लिखनी है आपको। सबसे पहले आप ये वाली बात लिख देंगे कि शायर ने कश्मीरी की खैबियत से मुतासर होकर उसकी खूबसूरती को अपने अशार में बयान करना। नज़्म से समझाने से पहले कश्मीर के हुस्न को जहर में रखना ज़रूरी है, जिसके बगैर उसके हुस्न का लफ्ज़ अंदरोज़ नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसमें ही ये जोड़ दीजिएगा, ये नहीं कि अलग से जवाब, उसी में जोड़ दीजिए। शायर ने कहा कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, जहाँ छोटे बड़े पहाड़, झील, झरनी, नदी, नाले, फूलों, और ये सारी बातें आप इसमें डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखना है आपको, कश्मीर की मंजर निगारी बहुत ही खूबसूरत और फितरी अंदाज से की है, और ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे। कश्मीर की खूबसूरती को उजागर के लिए शायर ने तशबीह के साथ साथ मुबारक है, बाज़ अल्फाज मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन ना मानूस नहीं। ये सारी बातें आप इस सवाल के जवाब में लिख दीजिए। अगला सवाल है और ये आखिरी है इसका, और बड़ा सवाल है, प्रोजेक्ट वर्क है, 500 अल्फाज में लिखना है। अल्फ दो है, मैंने दूसरा वाला जैसे कंप्यूटर, आज के दिन में कंप्यूटर की अहमियत के साथ ही कंप्यूटर से होने वाले काम पर रोशनी डाली। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल लिया आपके लिए, ठीक है। तो आज के दिन में कंप्यूटर की अहमियत, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, चाहे तजारती शोभा हो, साइंसी शोभा हो, या कोई भी शोभा हो, हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत। कंप्यूटर ने तेज़ रफ्तारी के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी शोबों को मुतासर किया है। कई नज़र नज़ीर माजी में मौजूद नई दुनिया की हैरत अंगेज़ मौसूलती इनकलाब से दो चार का सेहरा भी कंप्यूटर। कंप्यूटर ने बैनुल अक्वामी सतह माशी तरक्की के राम, आजकल ऐसे खुद कार कंप्यूटर जो सिर्फ इमला बोलने पर ही टाइप कर देते हैं, ये सारी बातें आप इसमें छाप लें। कंप्यूटर की तारीफ में ये और भी ये बातें लिख दी, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना है ना। अब इसकी जो काम है वो भी आपको लिखना है भाई, कंप्यूटर से क्या क्या काम होते हैं, हिसाब किताब लगा सकता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम भी इसमें आप छाप, ये सारी बातें इसी में छाप देंगे। और देखिए MS ऑफिस भी इसमें आता है, जो ऑफिस का काम है, दफ्तर का काम है वो हो जाता है। MS वर्ड इसी में आता है, ठीक है, सारी पेज मेकर इसी में आता है, यानी ऑफिशियल वर्क भी कंप्यूटर के ज़रिए होते हैं। आप टिकट बुक कर सकते हैं, एक्सेल इसमें आता है, और फिल्मी दुनिया, फिल्मी चार्ट, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जो हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या भरना है, इसी में से आपको भरना है, जो जो आपके समझ में आ रहा है सारा भर दिएगा, इस पर भी है, इसमें से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें भर दिएगा,
आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका असाइनमेंट पसंद आया होगा 2022। बाकी का तो मैं लिख के डालूँगा। उम्मीद है ये पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलती रहे एन आई एस से रिलेटेड और उर्दू के चाहने वालों से। शुक्रिया। और आप हमसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी कुछ चाहते हैं वो भी बन जाएंगे।